ट्रिपो के बाईपास वाल की सेटिंग कैसे करें? आपकी गाड़ी या ट्रैक्टर के ट्रिपो की बाईपास वाल सही है या खराब है, ये आप घर पर ही कैसे चेक करेंगे? और अगर आपकी गाड़ी के ट्रिपो की बाईपास वाल खराब है तो इसके क्या लक्षण होंगे और इसके आपकी गाड़ी के इंजन पे क्या प्रभाव होंगे? ट्रिपो की बाईपास वाल कैसे काम करती है और बाईपास वाल ट्रिपो में क्यों लगाई जाती है? ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ट्रिपो की बाईपास वाल कैसे दिखती है, आप उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखने में ट्रिपो की बाईपास वाल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। इस चीज को हम कहते हैं ट्रिपो का बाईपास वाल कहते हैं या फिर वेस्ट गेट भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिपो की बाईपास वाल कैसे काम करती है, या ये कह लीजिए कि इसके देने के पीछे क्या कारण है, क्यों ये ट्रिपो में दिया जाता है। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये है ट्रिपो की बाईपास वाल। ये ऐसे बंद होती है और ऐसे ये खुल जाती है। ये अब बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है और ये क्यों दिया जाता है। जैसे जैसे आपकी गाड़ी का आरपीएम बढ़ता है, ऐसे ऐसे जो आपकी गाड़ी से गैस निकलती है, एग्जॉस्ट से गैस निकलती है, वो भी ज्यादा ज्यादा निकलती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये गैस जरूरत से ज्यादा निकलती है, उतनी की आवश्यकता नहीं होती, और अगर ये जरूरत से ज्यादा गैस आपके ट्रिपो पे पड़ेगी तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर पैदा करेगी आपकी ट्रिपो, और या तो आपकी ट्रिपो खराब हो जाएगी या फिर आपके इंजन को खराब कर देगी। तो आपकी ट्रिपो भी खराब ना हो और आपका इंजन भी खराब ना हो, इन दोनों को बचाने के लिए ही ये आपकी वाल दिया होता है। इसको हम वेस्ट गेट भी कहते हैं या इसको बाईपास वाल भी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही है कि ये गैस को या हवा को या धुएं को बाईपास करती है। तो इधर से जब आपका धुआं पड़ता है और जब वो ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो वो सीधा यहां से, देखिए आप, यहां से सीधा बाईपास वाल से निकल जाता है। ये आप देख सकते हैं कि यहां से धुआं पड़ता है और ये वाल जब खुल जाती है तो सीधा ये इधर साइलेंसर की साइड में इसको भेज देता है, ज्यादा जरूरत से ज्यादा धुएं को, इस वाल को खुल के। और जब जरूरत से ज्यादा धुआं बाहर निकल जाता है, जब प्रेशर कम हो जाता है, लिमिट में आ जाता है, तो फिर से ये वाल बंद हो जाती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपकी इस वाल को कैसे पता चलेगा कि अब प्रेशर ज्यादा हो गया है या कम हो गया है। तो इसके लिए इस वाल को आपकी उस लीवर से जोड़ दिया जाता है, ये लीवर से ऐसे ये जुड़ी रहती है। अब आपके बाईपास वाल पे यहाँ पे एक टैपिंग ली जाती है आपके प्रेशर की साइड से, जिधर से आपकी ट्रिपो प्रेशर बनाती है, यहां से एक टैपिंग ऐसे ले ली हमने और इसको एक पाइप के द्वारा हमने इधर पे ये प्रेशर दे दिया। सीधे सीधे हमने क्या किया, इधर पे जितना प्रेशर था वो प्रेशर हमने यहाँ पे लगा दिया। तो जैसे ही प्रेशर ज्यादा होगा तो इधर से ये आपका लीवर स्प्रिंग को दबा देगा वो प्रेशर, और ये जो लीवर है ये लीवर आपका इधर इसको पुश कर देगा, इस वाल को ऐसे पुश कर देगा, और जैसे ही ये इधर पुश करेगा तो ये वाल आपकी खुल जाएगी ऐसे धकेलने से। तो अब बात करते हैं दूसरे सवाल की कि कैसे पहचान करें, कैसे लक्षण होंगे कि अगर आपके ट्रिपो की बाईपास वाल काम करना बंद कर दे। तो अगर आपको एक दिन अचानक से ऐसा लगे कि बिना किसी जायज कारण से आपकी गाड़ी अचानक से उसकी पावर बढ़ गई है, उसका पिकअप बढ़ गया है, तो आपको फिर शक करना चाहिए कि आपके ट्रिपो की बाईपास वाल कहीं स्टक हो गई है। अगर ये क्लोज वाली पोजिशन में बंद हो जाएगी, ऐसे स्टक हो जाएगी, तो फिर ये बाईपास नहीं करेगी हवा को, जब जरूरत से ज्यादा प्रेशर आएगा गैस को बाईपास नहीं करेगी, जिससे कि आपकी टर्बाइन जरूरत से ज्यादा आरपीएम पे घूमेगी और इधर से आपकी जो टर्बो है वो जरूरत से ज्यादा प्रेशर देगी आपके इंजन को। तो उस कंडीशन में आपके या तो टर्बो खराब हो सकती है या आपके इंजन को कुछ हानि पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं कि आप घर पर ही चेक कैसे करें कि आपकी गाड़ी की टर्बो की बाईपास वाल सही है या खराब है। इसके लिए आपको ये पाइप एक देखने मिलेगा जो कि एक इस साइड में कनेक्ट है और दूसरा इस साइड में, तो आपको दूसरी साइड से निकाल लेना है, ऐसे पाइप निकाल लेना है। और आपको साइकिल की दुकान से इस तरह की एक वाल मिल जाएगी जो कि साइकिल के पहिये में हवा भरने के लिए होती है, वो आपको इधर से इसमें कनेक्ट करनी है सीधे सीधे। और आपको एक लेना है इस तरह से साइकिल में हवा भरने के लिए जो पंप होता है वो, तो मैंने वो पंप यहाँ पे लिया है और उसमें मैं ऐसे इसको कनेक्ट कर दूंगा जैसे कि आप साइकिल में हवा भरते हैं। तो इस तरह से आपको ये कनेक्ट करना है, ये कनेक्ट हो गया, इसमें जुड़ गया ये। अब देखिए, अब आपको इधर से जैसे ही मैं इधर से पंप करूंगा तो ये वाली चीज जो है लीवर, ये बाहर आना चाहिए। तो ये देखिए आप, ये लीवर देखिए आप इधर, तो लीवर जैसे ही मैं पंप कर रहा हूं उधर मूव कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमारी वाल जो है वो सही है। तो इस तरह से आप घर पर ही चेक कर सकते हैं किसी भी साधारण पंप की सहायता से कि अगर ये लीवर आपका बाहर आ रहा है इधर से प्रेशर देने पे, तो इसका मतलब आपके ट्रिपो की बाईपास वाल सही है
और अगर आपके पास कोई ऐसा पंप है जो कि हवा भरने वाला होता है और जिसमें गेज लगा होता है, प्रेशर का मीटर कह ले, जिसमें कि यहाँ मीटर है, अगर आपके पास वो वाला पंप है तो फिर और भी अच्छी बात है। उसमें आप देख सकते हैं कि ये लीवर करीब 8 PSI के प्रेशर पे बाहर आना चाहिए। ये नॉर्मल टर्बो लगभग जो 25-30 नंबर की टर्बो होती है वो लगभग 8 PSI के प्रेशर पर ही उसका लीवर बाहर आता है, उतने पे ही उसका स्प्रिंग सेट रहता है। अगर आप बहुत बड़ी टर्बो लगा रहे हैं या बहुत छोटी टर्बो लगा रहे हैं तो ये प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है। तो अगर आपके पास पंप नहीं है और इस तरह की वाल नहीं है, फिर भी आप चेक करना चाहते हैं घर पर ही कि टर्बो की बाईपास वाल सही है कि नहीं, उसका एक और तरीका है। उसके लिए आपको इधर से ये वाला जो होज है, पाइप है, उसको खींच के निकालना होगा। इस तरह से आपको निकाल लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको पहले लीवर इधर खींचना है। लीवर इधर खींच लिया मैंने, पकड़ के रखना है, फिर यहां से इसको बंद करना है। ये बंद कर लिया, अब मैंने लीवर को छोड़ दिया और देखिए इस तरह की हवा आपको आवाज भी आनी चाहिए और फील भी करना चाहिए कि वहां से हवा आ रही है, देखिए। तो अगर ऐसा होता है तो आपकी जो बाईपास वाल है उसका जो डायफ्राम है उसकी उम्मीद है कि वो सही कंडीशन में है। और अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं, अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है प्रेशर गेज वाला, तो आप यहाँ पे इधर टर्बो को ऐसे रख लीजिए और यहाँ पे वो गेज रख लीजिए, उधर से आप प्रेशर दीजिए, उस गेज में वाल से प्रेशर सेट कीजिए, 8 PSI का 8 PSI का प्रेशर लगाइए, और जैसे ही ये वाल आपकी ऐसे खुलने शुरू होती है, बिल्कुल थोड़ा सा मूवमेंट करती है, वहीं पे आप इसकी सेटिंग कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सिस्टम नहीं है, उसका एक देसी तरीका भी है, और तरीका ये है कि पहले आप अपनी वाल को पूरा बंद कर लीजिए। इधर से देखिए जैसे ही ये अभी खुली है, ये पूरा बंद कर लीजिए इसको आप। ये वाल अभी पूरी इधर है, ये वाल पूरी आपकी इधर है, इस साइड में, इधर साइड में, और फिर भी यहाँ पे एक या दो चूड़ी आपको देखने को मिल रही है। तो एक से दो चूड़ी आप यहाँ छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप दूसरी साइड से इधर से ये नट आप टाइट करना शुरू कीजिए और इसको पूरा टाइट कर दीजिए। तो जैसे जैसे आप इसको टाइट करेंगे तो जो एक दो चूड़ी का जो गैप है ये पूरा का पूरा आपका भर जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपकी गाड़ी सही पिकअप दे रही है, नॉर्मल पिकअप दे रही है, नॉर्मल पावर दे रही है, तो आपको दो चूड़ी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे एक ही चूड़ी छोड़िए और इसको टाइट कर दीजिए। लेकिन अगर आपकी गाड़ी आपको लगता है कि कम पिकअप दे रही है, कम पावर दे रही है, तो फिर आप यहाँ पे एक चूड़ी और इसको इधर कर लीजिए, मतलब यहाँ पे दो चूड़ी का गैप बना लीजिए और फिर इसको टाइट करिए, पूरा टाइट कर दीजिए जब तक कि ये इस पे ना मिल जाए। यहाँ पे मैं एक दो चीज है वो जो आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी लीवर का बिल्कुल जरा सा मूवमेंट, इतना सा भी अगर आपका लीवर सरकता है तो देखिए आपकी वाल कितना ज्यादा यहाँ से रास्ता खोल देती है और कितनी ज्यादा गैस को बाईपास करती है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने ये इसको खींचा और कितना ज्यादा यहाँ पे रास्ता इसने खोल दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना लीवर खिसकेगा तभी वो बाईपास वाल खुलेगी या इतना खिसकेगा, बिल्कुल अगर इतना सा भी अगर आपका लीवर खिसक जाता है कंडीशन के हिसाब से तो बहुत सारी गैस को, बहुत सारे एग्जॉस्ट को वो बाईपास कर देता है। तो उम्मीद करता हूं कि टर्बो की बाईपास वाल के बारे में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो जानकारी भरी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।